नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। देश की राजधानी दिल्ली अब डरा रही है। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि कल सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा मामले दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आए हैं। साथ ही मरने वालों की तादाद भी दिल्ली में बढ़ गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह कुल आंकड़ा लगभग 400 लोगों के करीब पहुंच चुका है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों में से 50% लोग ठीक हो जा रहे हैं, और बड़ी बात यह भी है कि ये होम क्वारंटीन से ही ठीक हो रहे हैं, इन्हें हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। की बढ़ोतरी हुई है पूरे दिल्ली के केसेस में। इस सबके बाद ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है, 50% के करीब ठीक भी होते जा रहे हैं। और जो लोग पेशेंट बने हैं, जो लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, उसमें भी देश में भी ये देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में भी देखने को मिला है, और दिल्ली भी इसका उदाहरण बनती जा रही है कि 80-90% लोग होम क्वारंटाइन में रहकर ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में पैनिक हो जाता है कि अब तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। बिल्कुल पैनिक में ना आए। अगर कोई छोटा मोटा खांसी बुखार भी है या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी यही है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अपने घर में एक कमरे, अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजिए, उस कमरे में रह लीजिए आइसोलेशन में। कमरा नहीं भी है तो अलग एक एक्सक्लूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा रहा है तो एक्सक्लूसिव बेड पे अपने रहिए। और ये समझ लीजिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ, कई बार ये सुनने को मिलता है कि आस पड़ोस में भी लोग पैनिक में आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, हमारे पड़ोस में कोरोना पेशेंट निकला है, कुछ करिए, उसको ले जाइए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो कोई छुआछूत का ऐसा रोग नहीं है कि आपके आसपास में कोरोना हो गया और बस उड़ के आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। इवन आपके घर में भी अगर किसी को कोरोना है, कई लोग मुझे कहते हैं जी हम उस हमारे छूने से हो जाएगा, छूने से कोरोना नहीं होता है, कोरोना किसी तरह के इनटेक से होता है, वो भी तब जब कि आप उस कोरोना ग्रस्त व्यक्ति के किसी तरह से उसके जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं उनको, थूक के ड्रॉपलेट्स को टच करें और उसको मुंह से या आंख से या नाक से किसी तरह से उसको इंटेक में ले लें, तब कोरोना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोरोना वाले को छू दिया आपने तो आपको कोरोना हो गया, या कोरोना के ग्रस्त व्यक्ति का आपने कोई बर्तन उठा के इधर से उधर रख दिया, उसने चाय पी थी और आपने इधर से उधर रख दिया, कोरोना हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब तक आप, अगर आप हाथ धो लेंगे तो बिल्कुल कोरोना आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80-90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं।